الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ज़िंदगी कभी कभी इंसान को उस मोड़ पे ले जाती है जहाँ इंसान तो कश्तियों का सवार हो रह जाता है इंसान जाने के बावजूद ना तो वहाँ से वापस जा सकता है और कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है जब दो कुश्तियों का सवार हो जाता है ना सो so, ज़िंदगी में कोई भी स्टेप लेने से पहले हमें बहुत आगे तक जो है ना वो सोचना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक तो टू माय चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं आज का व्लॉग जो है ना ये बड़ा ही एक ये कर लें कि सबक अमोज किस्म का व्लॉग है जिंदगी के कुछ ऐसे सबक जो लाइफ ने मुझे भी सिखाए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आज की इस वीडियो को शेयर करने का सिर्फ मेरा एक ये मकसद है कि जो गलती मैंने अपनी लाइफ में इटली छोड़ने की की फ्रांस इस तरह से आने की, की मेरी वीडियो देख के शायद कोई ऐसी गलती करने से रुक जाए और किसी की ज़िंदगी जो है ना वो बच जाए बड़ी दफ़ा मुझे जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं आपने इटली क्यों छोड़ा आप फ्रांस क्यों आई और अपना फ़्रांस आने का एक्सपीरियंस शेयर करें तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं कमेंट्स में आप लोगों को इन, इसका जवाब दूँ मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बनाऊँ जो शायद किसी के लिए सदकाए जारिया बन जाए कहते हैं कि किताबें आपको वो दर्स वो लेसन वो सबक नहीं सिखा सकती जो ज़िंदगी के तजर्बात आपको सिखाते हैं और मेरी ज़िंदगी ने भी मुझे एक इतना बड़ा सबक सिखाया कि सबसे पहली बात ये कि इटली से फ्रांस हम लोग आए हमारा रिस्क हमें लेके आया इसमें कोई शक नहीं और अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इसमें भी कोई शक नहीं लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आपके सामने दो रस्ते मौजूद होना तो उसमें से जब आपने एक रास्ता चूज़ करना हो तो आप लोगों को उसका पॉजिटिव साइड देखने के साथ साथ उसके सारे नेगेटिव पहलू भी देखने चाहिए और यही एक बहुत बड़ी गलती हमसे हुई जब कभी भी हम लोगों ने इटली से यहाँ फ्रांस में नहीं आना था अगर मेरे हस्बैंड इतना बीमार ना होते या उस टाइम उनकी क्या सिचुएशन थी जब डॉक्टर्स ने कहा कि छः साल लग जाएंगे उनका वहाँ पे ट्रांसप्लांट होने में तो अपने हस्बैंड की सेहत को देखते हुए मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ भेजा था और वो हमसे एक साल पहले जो है वो आए थे यहाँ फ्रांस में हम लोग नए नए पाकिस्तान से आए थे मुझे तो कुछ पता नहीं था कि यूरोप कंट्रीज़ के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं अगर आप कंट्री चेंज कर रहे हैं तो आप तब तक चेंज ना करें जब तक आप दूसरी कंट्री में जा के अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं करवाते लीगल तौर पे आप नहीं रहते चूँकि हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नवीद को कहा था कि अगर आपने जाके अपना इटली का बताया तो वो आपका इलाज नहीं करेंगे आपको वापस इटली भेज देंगे तो इस सारी सिचुएशन को देख के निवीद ने ना उनको ये बताया कि वो पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्रांस आई हैं इलाज के लिए और यही हमारी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती थी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अगर निवेद आके यहाँ पे किसी तरह से अपने डॉक्यूमेंटेशन चेंज करवा लेते तो आज जितने धक्के हम लोगों ने यहाँ पे खाए हैं खा रहे हैं मैं बता नहीं सकती पिछले पाँच सालों से ले कर आज तक अभी तक ना तो नाचनवीद का ट्रांसप्लांट हुआ है जो लोगों ने हमें कहा कि यहाँ पे छः महीने साल भी नहीं लगता ट्रांसप्लांट हो जाता है वो भी नहीं हुआ छः महीने साल तो बड़े दूर की बात है पाँच साल से भी ज़्यादा हो गए हैं मेरे हस्बैंड को यहाँ पर डायलिसिस करवाते और अभी तक वो लिस्ट में हैं अभी तक उनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और अगर इस सारे टाइम सर्कल को देखा जाए ना इसके साथ साथ हमने जो तकलीफ़ें देखी अगर हम लोग इटली में होते तो ये सारी तकलीफ़ें शायद हमें ना देखनी पड़ती या हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ हम यहाँ पे आए हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर लिखा होगा तो हम यहाँ पे आए हैं लेकिन आप सब लोगों को मेरा एक बहुत दिल से मशवरा है कि कभी भी किसी कंट्री में आप इस तरह ना जाएं जिस कंट्री में आप मौजूद हैं आपके पास डॉक्यूमेंट है आप ये सोचें कि वहाँ पे आपका काम है अगर आज काम नहीं मिला तो कल को काम मिल जाएगा अगर आज हालात अच्छे नहीं तो कल को अच्छे हो जाएंगे इस तरह से दूसरी कंट्री चेंज करना मैं कहती हूँ आप लोग माइनस जीरो से भी नीचे गिर जाते हैं ऊपर से हेल्थ इशू साथ हों तो सोचें कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जो है वो चली जाती है और मेरे हस्बैंड का जो बीपी कंट्रोल में नहीं होता ना वो यही टेंशन है सोच सोच के ना तो यहाँ पे पेपर्स बन रहे हैं अभी तक और ना बच्चों के पेपर्स के लिए इतनी सारी भाग दौड़ कर करके अभी तक उनके पेपर्स भी नहीं बन रहे ना ही मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का कुछ सिलसिला चल रहा है तो ये सारी जो टेंशनें हैं ना ये इंसान को अंदर ही अंदर से खाई जाती हैं ऊपर से फिर जब आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती कोई बच्चों का काफ कुछ भी बच्चों का नहीं लगा हुआ ऑब्वियसली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये सारी सिचुएशन अगर हमारे पास पेपर्स होते ना तो आज हमारे पास बच्चों के अलाउंस लगे होने थे तो ये जो टेंशनें होनी थी ना ये बिल्कुल भी नहीं होनी थी इटली में अपना बना बनाया जो है कारोबार छोड़ा बसा बसाया घर छोड़ा सिर्फ एक सेहत के पीछे ये सेहत होगी तो कल को हर चीज़ वापस आ जाएगी और आज देख लें उस सेहत के पीछे हम लोग माइनस ज़ीरो पे भी चले गए हर चीज़ को बर्दाश्त किया कि जल्दी से ट्रांसप्लांट हो जाए लेकिन ये सब प्रोसेस ये सब चीज़ें ना कहीं पर भी चले जाएँ इतनी आसान नहीं होती मुझे ना पिछले दिनों में किसी ने कांटेक्ट किया इटली से ही उसने कहा कि मेरे हस्बैंड को आइस का मसला है हम लोग वहाँ आना चाहते हैं फ्रांस तो मैंने तो उन्हें बहुत मना किया मैंने कहा अगर आपने रुलना है ना तो आ जाएं बग़ैर पेपर्स के आके रह के देख लें जो वहाँ पर आप लोगों के हालात हैं उससे भी बदतर हालात हो जाएंगे हमें ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि आप यहाँ से फिर जर्मन चले जाएं लेकिन वीद को मैंने कहा नहीं आए रोज़ मुल्क चेंज करना जो है ना ये कहाँ की बहादरी है बच्चे कितना सारा डिस्टर्ब हो जाते हैं पहले बच्चों ने इटालियन सीखी उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच खुदा नाशा अगर हम कहीं और जाने का सोचते हैं तो बच्चों की लाइफ बच्चों के तो इतने कूल माइंड बच्चे होते हैं पहले ही बड़ी ज़्यादा उन्होंने टेंशनें देखी हैं तो मैं मज़ीद किसी भी टेंशन में बच्चों को नहीं देखना चाहती यहाँ पे मार्चों पे जाके पराठे बेचे हैं मेरे हस्बैंड ने अभी एक साल हो गया है कि वो नहीं जा पाए उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है और वो चल नहीं सकते ठंड में बाहर निकलते हैं थोड़ा सा भी तो फ़ौरन से पहले बीमार हो जाते हैं मैंने इन सालों में यहाँ पे क्या क्या तकलीफ़ें फेस नहीं की ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग जो मेरा पंद्रह बीस मिनट का एक व्लॉग दिखते हैं आपको लगता होगा शायद इसकी ज़िंदगी एक कितनी मनज़म तरीके से चल रही है ये नहीं होता इसके पीछे भी एक ज़िंदगी होती है जो आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है मैंने लोगों के घरों में कितने कितने काम किए हैं लोगों की क्लीनिंग्स करके दी हैं और फिर उसका उस तरह से मुआवजा भी ना मिलना इतनी सारी आप फिर मेरे पेरेंट्स ने कितना परेशान होना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जवान करके जब आप बाहर बेचती हैं बहुत सारे ख्वाब आपके दिल में भी होते हैं कि आपकी ओलाद पुस्कून जिंदगी गुजारे आपके बच्चों के भी ख्वाब जब चकना चूर हो जाते हैं ना तो सोचें कि उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरती होगी इतनी इतनी दूर जाके लोगों के घरों के मैंने काम किए हैं जो शायद मैंने कभी YouTube पे नहीं बताया लेकिन आज ये सारी बातें आपसे शेयर करने का ये मकसद है कि मेरी तरह की गलती आप में से प्लीज़ कभी भी कोई मत कीजिएगा जिस मुल्क के पेपर्स आपके पास हैं वो समझे वही मुल्क आपके लिए जन्नत है आपके पास पेपर्स नहीं तो कोई गवर्नमेंट आपकी बात तक नहीं सुनती कोई इदारा आपकी हेल्प नहीं करता आपके बच्चों को वो अलाउंस नहीं मिलते जो यहाँ पे पेपर्स वालों को मिलते हैं वो सारी बेनिफिट्स जो आ, दूसरे लोगों के बच्चों को मिलते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलते चाहे आप बीमार हों चाहे जो भी हो जब तक आपके पास पेपर्स नहीं होते अगर हमें पता होता ना कि फ़्रांस में जा के भी इतने साल लग जाने हैं ट्रांसप्लांट के तो हम लोग फिर वहीं पे ही वेट कर लेते और वहाँ पे ये तो था ना कि हमें बाकी कोई मसले मसाइल नहीं थे मैं मेरे पास तो चलो सोशल मीडिया है मेरे पास एक अल्लाह ताला ने ये यूट्यूब जो है इसके ज़रिए मुझे बहुत प्यारे प्यारे लोगों का वसीला मेरे लिए बना दिया है कहीं से मुझे कोई खाने का आर्डर अगर मिल जाता है कहीं से कोई काम का आर्डर मिल जाता है और कोई आप लोगों ने मुझे यूट्यूब के ज़रिए जो मेरी ज़िंदगी कुछ आसान हुई है अगर ये मेरी ज़िंदगी में यूट्यूब मैंने ना ये यूट्यूब के इस प्लेटफार्म पर आई होती तो शायद मेरी ज़िंदगी आज उसी जगह पर होती जहाँ पर तीन साल पहले थी कभी भी लोगों की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए जो लोग सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं ना उनकी बातों पे कभी भी नहीं आना चाहिए जब तक आप किसी बाकायदा किसी वकील के साथ डिस्कस करके अपना सारा प्रोसीजर ना देखें ना आपको कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो हम लोगों ने की एक पेपर्स की टेंशन को लेके मेरी बेटी नताशा कितनी सारी परेशान है ना उसको कॉलेज में अब उसका लास्ट ईयर है नेक्स्ट ईयर उसको कितनी ज़्यादा परेशानी है अपने पेपर्स की आ, उसके अलावा बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं और आ, हर साल वो इंतज़ार करते हैं कि हम कब पाकिस्तान जाएंगे जब से मेरे बच्चे पाकिस्तान से आए हैं सात साल हो गए हैं मेरे बच्चे पाकिस्तान नहीं गए और ये समझे कि रमीज़ को पता ही नहीं पाकिस्तान का क्योंकि वो एक साल का भी नहीं था जब आया फाइक दो अढ़ाई साल का था उसको भी क्या पता हो रहा है तो यहाँ पर उसकी बर्थ हुई तो बच्चे कितना सारा मिस करते हैं अपने रिश्तों से लिए अपने रिश्तों से मिलने के लिए अपने प्यारों से मिलने के लिए अपने पाकिस्तान जाने के लिए इंसान अपने आप को कितना भी पॉजिटिव कर लेना कितना भी लेकिन कभी ना कभी इंसान टूट ही जाता है इन हालातों से लड़ते लड़ते इन परेशानियों से लड़ते लड़ते इंसान कमज़ोर पड़ ही जाता है मुझे तो अल्लाह की ज़ात पे इतना सारा यकीन है मेरा दिल कहता है कि आने वाला वक्त इन बहुत अच्छा होगा लेकिन ये जो ज़िंदगी के पाँच साल मैंने गुजारे हैं ना ये मैं सारी ज़िंदगी कभी भी नहीं भूल पाऊँगी जे जो वक्त गुजर रहा है ना कितना सारा कैसा कैसा वक्त मैंने देखा है कितनी सारी कुर्बानियाँ मैंने दी हैं अपनी फैमिली के लिए मेरे बच्चों ने कितनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं ना और ये मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगी सो so, आज की ये वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर की कि आप में से भी खुदारा कोई भी कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा और प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी आसानियां कर दे उनका ट्रांसप्लांट जल्द अज जल्द हो जाए इतना सारा इंतज़ार उन्होंने किया है ना और अब ये जो दो तीन महीने गुजरे हैं ना उनके इतनी तकलीफ़ में अब उनके पेट में आए रोज़ दर्द रहती है कोरोना ने उनको तोड़ के रख दिया है उठ के उनसे खड़े नहीं हुआ चाहता दो मिनट के लिए वो बाहर नहीं जा सकते बहुत सारी तकलीफ़ उन्होंने ना यहाँ पर देखी है मेरे बच्चे मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं ना अपने डैडी की हेल्थ को ले के डिफरेंट चीज़ों को ले कर कितने क्वेश्चंस करते हैं ना ये उनको फिर मैं किस तरह से आंसर देती हूँ ये मुझे ही पता है या मेरे खुदा को पता है अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी किसी के बच्चों पे कभी भी ऐसा वक्त ना लेके आए कि जब इंसान हर तरह से झगड़ा जाए पिछले साल जब मैं पेरिस किसी के घर में काम के लिए जाया करती थी वहाँ पे कुकिंग करना क्लीनिंग करना सारे काम करना मेरे बच्चे बिल्कुल यकीन करें इन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था मेरे बच्चों ने उसके बाद मैंने अल्लाह ताला से बहुत रो रो के दुआ की कि या तू मुझे घर बैठे कोई ऐसा रिस्क का वसीला बना दे तो मुझे कुछ बच्चे जो हैं वो क़ुरान के लिए मिले जिनको मैं रात को अब कुरान पढ़ाती हूँ सकून से अलहदुल्लह और अगर आप में से भी किसी ने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे लाइफ लाइफ इतनाताशन फ्रांस के नाम से ही है मेरी इंस्टा की आईडी इन सारे वक्तों में ना एक काम अगर मैंने किया है तो वो ये कि अल्लाह ताला की जात पे यकीन जो है ना वो कभी भी नहीं कम किया उसकी ज़ात पे ईमान मैंने हमेशा रखा है कि आने वाला वक्त मेरे लिए इंशाल्लाह बहुत सारी खुशियाँ ले आएगा और इन मुश्किलों में अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत सारे वसीले भी बनाए हैं उसने मुश्किलों में डाला है तो निकाला भी ज़रूर है वो जो लोग कहते थे ना कि यूरोप जो है वो औरत का सुनता है बच्चों को देखता है और फटाफट से बीमार बंदे के पेपर्स बन जाते हैं इसमें कुछ भी सच्चाई ऐसी नहीं है इतना सारा मैं कहती हूँ क्या खजल ख़राब होना पड़ता है इन पेपर्स के पीछे इतना सारा भागना पड़ता है कोई आपकी बात नहीं सुनता कहीं आप चले जाएँ आपको कितनी सारी कुर्बानियाँ इन चीज़ों के पीछे देनी पड़ती हैं ना ये उन लोगों से पूछिएगा जो मेरी तरह यहाँ पर रह रहे हैं बाकी अल्लाह ताला मेरे लिए आप सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रहीम है वो बंदे पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालती कोई ऐसी रात आ जाए फटाफट से जिसके बाद एक चमक तो सुबह हो मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हो जाए हम सब के पेपर्स बन जाएं हम लोग पूरी फैमिली के साथ जो है ना वो पाकिस्तान जाएँ और जाते हुए अल्लाह ताला के हज़ूर उम्रा करके जाएँ ज़िंदगी की बहुत बड़ी खाइश है काश अल्लाह ताला मेरे जीते जी मेरी ये ख्वाश को पूरा कर दे आमीन आप लोग इतने सारे मैसेजेस कर रहे थे ना कि मेरी वीडियो नहीं आ रही कुछ नवीद की तबीयत खराब थी उसके बाद मुझे ना फिर संडे वाले दिन मुझे जाना था कल पेरिस और वहाँ से मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी और आ... कुछ एक दिन पहले यहाँ पे मैंने ताशा के साथ गई हुई थी मुझे ना नवीद के लिए एक ब्लैंकेट चाहिए था वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें ठंड बड़ी सारा सारी लगती है तो उनके लिए ना मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए था तो ये अपने घर के पास मार्केट थी तो मैं वहाँ पर आई हुई थी तो बस जिंदगी जो है ना इन्हीं भागम दौड़ भागम दौड़ में जो है ना वो गुजरती चली जा रही है फिर मैंने कोई स्पेशल रेसिपी भी जो है ना वो नहीं कोई रिकॉर्ड की थी बस सिंपल सिंपल से खाने में बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ स्पेशल बनाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लेकिन जब कल आप लोगों ने मुझे डीएम कर रहे थे कि मेरा वीडियो नहीं आ रही तो मैंने सोचा कि चलो अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि शायद मेरी बात किसी के लिए कोई सदका जा साबित हो जाए किसी की ज़िंदगी मेरी वजह से मुश्किल में ना पड़े शायद किसी बंदे के लिए आसानी हो जाए आज की इस वीडियो का जस्ट मेरा यही पर्पज़ था तो बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त और प्लीज़ चैनल पे जितने लोग नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ये आप लोगों का मेरे लिए एक बहुत साथ है आप लोगों की सपोर्ट है मेरे लिए अगर आप लोग मेरे चैनल की वीडियोस को वॉच करते हैं आप लोग मेरे चैनल को वीडियोज़ को लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो ये आप लोगों का एक सपोर्ट है मेरे लिए जो बहुत मेरे लिए मैटर करती है यहाँ पे मैं चाहूंगी अब सबसे इजाज़त अपना और अपने प्यारों का, का बहुत सारा ख्याल मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद अल्लाह हाफिज टेक केयर फी अमानिल्लाह